नमस्कार दोस्तों, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मधुमक्खी पालन की और अधिक जानकारी देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मधुमक्खी के बॉक्स में काम कैसे करना चाहिए, इसको हमें कैसे खोलना चाहिए और किस तरीके से हम मधुमक्खियों के काम को अच्छे से कर सकते हैं और उसको हैंडल किस तरीके से करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊँगा कि मधुमक्खी के बॉक्स को कैसे खोला जाता है। तो इसमें आप देखोगे तो ये हमारे सामने एक मधुमक्खी का बॉक्स है, जिसमें एक बी कॉलोनी है। इसको खोलने के लिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम अपने जो इसका ढक्कन है, इसका जो कवर है, वो उठाना कैसे है। इसको सबसे पहले हम अपनी विपरीत दिशा से उठाएंगे इस तरीके से, ताकि हम इसको अच्छी तरीके से देख सकें। तो इस तरीके से उठा करके हम इसको कभी भी इसके आगे नहीं रखेंगे जहाँ से मधुमक्खियाँ एंटर करती हैं। तो उसके बाद इसको हम साइड में रख देंगे मधुमक्खी के कवर को। उसके बाद हम मधुमक्खी के ये जो ऊपर का कवर है, इसमें जो लगाया हुआ है, इसको हम आराम से उतारेंगे। और इसको भी दोस्तों इस तरीके से उठाना है कि अपने मुंह की दिशा से नहीं उठाना है, अपनी साइड से दूसरी दिशा से उठाना है, ताकि इसके नीचे अगर कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई ऐसा जीव, कभी सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह या छिपकली वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उनसे हम बच सकेंगे। क्योंकि अगर इधर से उठाते हैं तो सीधा हमारे मुंह पे आएगा वो और हमें अटैक कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम कि किस तरीके से इसको उठाना है। उसके बाद दोस्तों, ये एक इस पर बोरी लगा रखी है ताकि इसमें मॉइस्चर वगैरह ना जाए और कीड़े मकोड़े अंदर ना घुस पाएँ। तो उसके बाद हमने बोरी को धीरे धीरे उतारना है। तो इस तरीके से देखोगे, ये एक 10 फ्रेम का बॉक्स है ये। इसको बोरी को भी उठा करके हमने साइड में रख दिया। उसके बाद दोस्तों, हमने इसमें जैसे काम करना है तो मधुमक्खियों की जो इसमें संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें बहुत सावधानी से इस काम को करना होता है। और हम धीरे धीरे इसमें एक एक फ्रेम निकाल करके देखेंगे कि इसमें रानी कहाँ पे है, रानी मधुमक्खी कहाँ है। जब भी आपको चेक करना होता है, सबसे पहले तो ये देखना होता है कि बाहर से किसी चीज़ ने कोई अटैक तो नहीं कर रखा। उसके बाद फ्रेम को ऐसे मूव करेंगे कि मधुमक्खी को ये ना पता चले कि कोई झटका ना लगे या कोई ऐसा प्रेशर ना पड़े जिसकी वजह से ये एकदम से अटैक करें आपके ऊपर। क्योंकि मधुमक्खी जो है वो डंक मार सकती है, जिसकी वजह से सूजन आ जाती है, और उससे बचाव के लिए आपको बड़ी सावधानी से काम करना है। दोस्तों, मधुमक्खी का जो फ्रेम है वो निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा ढीला करेंगे, ताकि हम प्रोपोलिस की वजह से जो फ्रेम चिपके होते हैं वो थोड़ा सा लूज हो जाए, जिसकी वजह से आपके लिए फ्रेम जो निकालना है वो आसान हो जाए। और इस बीच में हम ये देखेंगे कि इसमें झटका ना लगे किसी भी तरीके का, ताकि मधुमक्खी जो है वो एग्रेसिव ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, सावधानी से करेंगे धीरे धीरे। मधुमक्खी कभी भी काटती है तो उसमें ज़्यादातर जो गलती है वो बी कीपर्स की ही होती है, वो ठीक ढंग से फ्रेम को ना निकालने की वजह से इसमें ये प्रॉब्लम आती है। ये वाला फ्रेम ज़्यादा टाइट है, अभी हम दूसरे वाला निकालेंगे। दोस्तों, पहला फ्रेम निकालने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, उसके बाद और फ्रेम निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप देखोगे इस तरीके से हमने फ्रेम को निकालना है, और इसमें जैसे हमने रानी देखनी है या अंदर मधुमक्खियों में क्या काम चल रहा है वो देखने के लिए आप इसका विजिट कर सकते हो, देख सकते हो इसको। इस छत्ते में दोस्तों देखोगे आप तो एक रानी है, इसमें पहली बार में ही रानी मिल गई है हमें। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हमने इसको अंगूठे पर रख सकते हैं, और इसको दूसरी तरफ से मूव करना होगा तो दोनों उंगलियों और अंगूठा पीछे रख करके इस तरीके से हम घुमा लेंगे इसको। तो इस तरीके से आप इसका विजिट कर सकते हो, देख सकते हो कि इसमें क्या क्या काम हो रहा है। तो इसमें आपको रानी दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको दिखाएंगे आप। इसमें ये देखोगे आप तो रानी मधुमक्खी है यहाँ पर, ये वाली। तो इस तरीके से इसमें आपको रानी चेक करनी होती है हर एक बक्से में, कि क्या आपकी जो कॉलोनी है उसके अंदर रानी है या नहीं है। अगर ना हो तो वो जो बॉक्स है, वो डिब्बा है मधुमक्खी का, जो कॉलोनी है वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हर एक बॉक्स के अंदर आपको जो क्वीन है वो चाहिए होती है।
तो दोस्तों इसके बाद हम इस फ्रेम को एक साइड में रख लेंगे हम, ताकि और फ्रेम्स को हम आसानी से निकाल सकें। जैसे इसको मैंने साइड में लगा दिया काम करते हुए। अब जैसे बाकी जो फ्रेम है उसको आप आसानी से निकाल करके उसमें देख सकते हो। हमने इसमें चेक करना होता है कि इसमें रानी मधुमक्खी है या नहीं है, रानी अंडे दे रही है या नहीं दे रही है, और बाहर से क्या कुछ कॉलोनी लेकर के आ रही है, मधुमक्खियाँ क्या फीड लेकर के आ रही हैं, उस सारी चीज़ों को आप सब इसमें चेक कर सकते हो। अब इसमें मैं आपको दिखाऊं तो इसमें पोलन बाहर से आ रहा है, इसमें ब्रूड है, लार्वा है, और इसके अलावा क्वीन ने अंडे दे रखे हैं इसमें, और मधुमक्खियाँ अपने काम में व्यस्त हैं। बाहर से जो भी इनकी ड्यूटीज़ होती है, प्रोपोलिस ले आना, छतों की रिपेयर करना, नेक्टर लेकर के आना, और सारा दिन ये काम करती हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा काम जो है पूरी दुनिया में मधुमक्खियाँ ही करती हैं, जो दिन और रात हमेशा अपने काम में लगी रहती हैं। और इस तरीके से आप देखोगे तो इसमें मधुमक्खियाँ जो हैं पोलन भी लेकर के आती हैं, आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से मधुमक्खियाँ जो हैं वो छत्ते में से निकालते हैं, और इसको मैं धीरे धीरे डाल रहा हूँ। इसमें ड्रोन है और रानी मधुमक्खी है, और इसके साथ ही पूरा इसमें काम चल रहा है। अब इसको मैं दोबारा डाल रहा हूँ मधुमक्खी के छत्ते में। इस तरीके से दोस्तों हम हर एक छत्ते को निकाल करके उसकी एक्टिविटी देख सकते हैं कि क्या इसमें काम चल रहा है। और ये वो छत्ता है जिसमें क्वीन है, अब इसको भी डाल रहा हूँ मैं इसमें। सावधानी से डालना होता है इसको, ताकि इसमें कोई झटका ना लगे और जो मधुमक्खियाँ हैं वो एग्रेसिव ना हों। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको वॉच करके देख करके इसमें जो भी गतिविधि हो रही है, इसको धीरे से हम इसको बंद करेंगे। बंद करते हुए भी ध्यान रखेंगे किसी तरह कोई झटका ना लगे इसमें। इसके बाद इसका टॉप कवर लगाएंगे हम। और दोस्तों ये हमने मधुमक्खी के बॉक्स को दोबारा से वैसे ही बंद कर दिया जिस तरीके से था ये। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपनी कॉलोनी का विजिट कर सकते हैं, उस पर ध्यान रख सकते हैं। 2 से 3 दिन में आप एक विजिट करते हो तो सफिशेंट रहता है। इसके अलावा जब सीज़न आता है तो आपको डेली बेसिस पे भी इसको चेक कर सकते हैं, और ऑफ सीज़न में इसको 1 हफ्ते में या 10 दिन में भी आप विजिट करोगे, या जब आपको फीड देना है, या मधुमक्खी की एक्टिविटी देख करके आप सब इसको अंदाज़ा लगा सकते हो कि मधुमक्खियों को किस चीज़ की ज़रूरत है, पोलन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फूड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके अलावा आपको माइग्रेशन की ज़रूरत है, आपको मधुमक्खियाँ इसी सिचुएशन पे रखनी है, उन सारी चीज़ों को आप सब मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ आज की जानकारी हम पूरी करेंगे। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हम अपलोड करें अपने चैनल पर उसको आप आसानी से देख सकें, आप तक आसानी से पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।